नमस्कार दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले दो वीडियो से हम जो हमारे आरसी कपल्ड कॉमन अमीटर एम्पलीफायर हैं उसके हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे वोल्टेज गेन एनालिसिस को हम स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो स्टार्टिंग uh, में हमने बताया था कि हमारा जो नेट इक्विलेंट सर्किट है उसमें एक सी इन है एक इसमें हमारा जो कलेक्टर पे जो कैपेसिटेंस है वो शंट कैपेसिटेंस है अगर शंट कैपेसिटेंस को इफेक्ट को कंसिडर करें तो सी इन को ओपन करना पड़ेगा और अगर सी इन के इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो सी शंट को ओपन करना पड़ेगा तो सी शंट को कंसिडर करके हमने एनालिसिस किया था और उस बेसिस पे यहाँ पे हमने जो हमारी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज़ उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था ठीक है इसी तरीके से दोस्तों अब हम क्या चाहते हैं कि हम सी इन को कंसिडर करें और सी शंट को ओपन करें उस बेसिस पे हमारी जो नेक्स्ट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे तो जब भी हम सी इन कैपेसिटेंस को कंसिडर करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के इस Uh, जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिराइव करेंगे ये एक्सप्रेशन है वन अपॉन टू पाई सी इन आर एस पैरल विद आर इन डैस तो आर इन डैस कहाँ आएगा आपको बता देता हूँ आर एस क्या है वो बता देता हूँ दोस्तों आर एस तो है आपका जो सोर्स वोल्टेज है उसका इंटरनल रजिस्टेंस और आर इन डैस है जो यहाँ पे वैल्यू निकलती है यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो होती है हमारी आर इन डैस तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन ये होगा तो अगर आपका आर बी आर बी क्या है कोई नोड है इन साइड द बेस रीजन उसकी वजह से आपका एक स्प्रेड रेजिस्टेंस आता है आर बी नॉर्मली इसकी वैल्यू कम होती है अगर इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करोगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आर बी के इफेक्ट को कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा वन अपॉन टू पाई सी इन आर बी पैरल विद आर पाई ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है बी जे की वो हमारी स्प्रेड रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है अगर हमारा स्प्रेड रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली हमारी हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ठीक है तो इस टाइप से आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हमने किया आर कपल्ड कॉमन अमीटर एम्पलीफायर्स का जिसमें दो टाइप के कैपेसिटेंस के थे सी इन और सी सन्ट दोनों को बारी बारी से कंसिडर किया जिसको कंसिडर किया दूसरे वाले को ओपन सर्किट कर दिया इस बेसिस पे ये आपकी दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है अब बात करते हैं कि जो दोनों कैपेसिटेंस हैं वो तो एट ए टाइम इफेक्ट करेंगे बीजेटी एम्पलीफायर्स में तो दोस्तों जब आपने शंट कैपेसिटेंस को कंसिडर किया वहाँ से मान लीजिए ये आपके कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का एक्सप्रेशन मिला जब सी इनको कंसिडर किया तो डेफिनेटली आपकी दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आई एफ एच टू तो इस केस में जो हमारा आर सी कप्पल डिफायर है उसकी ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी अब उसमें इंटरेस्टेड है तो ये दो वैल्यू आ चुकी हैं इन दोनों वैल्यूज़ में से दोस्तों आप सबसे छोटी वैल्यूज़ को पिक कर लें तो सबसे पहला हमारा काम है इन दोनों डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से छोटी फ्रीक्वेंसीज को पिक करेंगे और वो छोटी फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से फोर टाइम्स छोटी होनी चाहिए इस केस में जो छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकिन दूसरा केस दोस्तों अगर मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इससे कम है लेकिन फोर टाइम्स छोटी नहीं है तो उस केस में हम दूसरे केस पे जाएंगे वहां जो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का एक्सप्रेशन है वो होगा वन अपॉन एफ ऑफ एच इज इक्वल टू वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई अंडर द रूट वन डिवाइडेड बाय फर्स्ट हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर ठीक है तो ये एक्सप्रेशन होगा अब दोस्तों इसी को विद हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको बता देता हूँ मान लीजिए आपने दो कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटेंस है सी इन दूसरा कैपेसिटेंस है सेंट ठीक है और ये ऑलरेडी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ जो नेट इक्विवेलेंट सर्किट है एक सी इन था एक सी सेंट था जब आपने शंट को कंसिडर किया तो सी इन को ओपन कर दिया उस केस में टू मेगा हर्ट्स आपकी हाइस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है फिर दूसरे केस में आपने सी इन को कंसिडर किया और सी शंट को ओपन किया उस केस में आपको हाइएस्ट कट ऑफ फ्रीकवेंसी टेन मिली इन दोनों में से छोटा कौन है टू क्या टू इससे फोर टाइम्स छोटी है डेफिनेटली बिकॉज टू फोरजा एट होता है ये उससे भी बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एच वन फोर टाइम्स से भी छोटी है उस केस में हमारा जो ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा बी जे टी एम्प्लीफायरस का हाइएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो हमारा टू मेगा हट्स होगा इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि टू मेगा हट्स तक ही हमारा जो आर सी कपल्ड एम्पलीफायर है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा इस टू मेगा हट्स के बाद भी अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे सोर्स वोल्टेज के फ्रीक्वेंसीज को तो फिर आपके वोल्टेज गेन काफ़ी हद तक रिड्यूस होंगे और उस एम्पलीफायर में डिस्टोरशन आना स्टार्ट हो जाएगा दूसरा केस मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जब इसको कंसिडर किया तो वो मिली एट मेगा जब आपने सी इन के इफेक्ट को कंसिडर किया तो फिर आपको मिली ट्वेल्व मेगा इन दोनों में से छोटा कौन एट लेकिन 8, 12 का फोर टाइम्स छोटा नहीं है इस वजह से अब हम सेकेंड केस पे जाएंगे और इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करके नेट ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का पता लगाएंगे तो दोस्तों ये है आपके सामने हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ आर सी कपल्ड एम्पलीफायर पूरा इन डिटेल शॉर्ट सर्किट करंट गेन आपको निकाल के दिखाया है और वोल्टेज गेन भी आपके सामने निकाल के दिखाया है और सारी पॉसिबिलिटीज़ किसी भी टाइप के एग्जाम्स को लेके सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है अब दोस्तों जो नेक्स्ट आपके वीडियोज़ होंगे वो आई थिंक हमारे जो फैट एम्पलीफायर्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो